क्वेश्चन है, फिगर शोज अ सॉलिड ग्लास स्फेयर, एक ग्लास का स्फेयर है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। आगे हैज अ स्मॉल एयर बबल ओ ट्रैप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो इसके सेंटर से ये बबल जो है ओ वो कितने सेंटीमीटर पे है, 2। कहां से डिस्टेंस गिवन है बबल का, सेंटर से, जबकि हम सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं, पोल से, तो ये पोल बनेगा, तो पोल से सेंटर की दूरी 5 है और ये डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी, 3, तो माइनस करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। इसके बाद इस क्वेश्चन में गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ ग्लास इज 1.5। अब बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, एक म्यू कितना है, 1.5 है, और दूसरा म्यू कितना है, 1 है, तो बड़े वाला म्यू क्या होगा, म्यू टू 1.5 है, म्यू 1 है, बड़े वाला म्यू 2 है, तो सीधा म्यू 2 = 1.5 और म्यू 1 = 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या निकालना है, फाइंड एपरेंट पोजिशन ऑफ द बबल, वेन वेयर विल इट अपेयर वेन सीन थ्रू अ सर्फेस ऑफ द स्फेयर फ्रॉम आउटसाइड ई, तो कह रहे हैं ई से देख रहे हैं ये बबल इस ऑब्जर्वर को कहां नजर आएगा। सबको मालूम है कि रियल और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, अंदर डेंसर मीडियम है, तो इस बंदे को, इस ऑब्जर्वर को ओ पे नहीं नजर आएगा, थोड़ा पास नजर आएगा, कहां पे नजर आएगा, आई पे नजर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो आपको ये बताना है कि पोल से इसकी दूरी कितनी है। रे डायग्राम की टेंशन ना ले, रे डायग्राम बनाने को आते नहीं है कि डायग्राम बनाओ, ये आपकी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है। आपको मेनली क्या देखना होता है, आपको सिंपली इस क्वेश्चन में वी निकालना है, बस आपको बताना है इमेज कहां बनेगी, बस। तो मुझे सिर्फ ये बताओ ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, रेयरर में कि डेंसर में, डेंसर में है ना, और इसकी रेज कहां निकलेगी, डेंसर से रेयरर, तो रिफ्रैक्शन क्या होगी, डेंसर टू रेयरर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयरर है, तो फॉर्मूला डेंसर टू रेयरर का लिख लिया फॉर्मूला, तो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, इस फॉर्मूले में म्यू वन पता है, म्यू टू पता है, छोटे वाला म्यू वन है, बड़े वाला म्यू टू है, डन। पोल से डिस्टेंस, अब क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, डेंसर में है, तो रेज कहां जाएंगी, डेंसर टू रेयरर बाहर ही निकलेंगी, और कहां निकल रही है, उस तरफ निकलेंगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है और पोल यहां पर है, तो आपकी रेज ऐसे निकल रही है, ये आपकी डायरेक्शन है रेज की निकलने की। क्या स्टेप क्लियर, ऐसे निकल रही है, तो इस क्वेश्चन में इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर के डिस्टेंस, क्योंकि उधर रेज निकल रही है तो उधर पॉजिटिव माना जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, तो यू कितना होगा, -3, क्योंकि उधर डायरेक्शन ऑफ रेज पॉजिटिव है और हम डिस्टेंस उल्टा ले रहे हैं, तो ये क्या आएगा, यू इज -3। क्लियर है यहां तक। अच्छा, आर बताओ, पोल से लेके सेंटर तक की दूरी कितनी है, 5, तो आर क्या होगा, -5, क्योंकि रेज तो उधर जा रही है और हम डिस्टेंस उल्टा मेजर कर रहे हैं। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ करना ही नहीं, ये तो देखना होता है। आपको म्यू टू पता है, म्यू वन पता है, यू पता है, आर पता है, वी निकालना है, वी में कोई साइन कन्वेंशन पुट ना करना, वो अपने आप ही साइन कन्वेंशन आंसर आएगा, तो बाकी सब में पुट कर लेना। वी जब निकालोगे ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब ऑन द सेम साइड, और कौन सी इमेज है, रियल की वर्चुअल इमेज बनेगी, तो ऑन द सेम साइड बनेगी। अगर कोई कहे डायग्राम बना के दिखाओ, अब डायग्राम बन सकता है, रे को बाहर निकालो और इमेज को यहां बना दो, बताइए वर्चुअल सेम साइड में बनेगी, तो यहां कहीं इमेज दिखेगा। तो ये डायग्राम आपको हेल्प कर रहा है समझने के लिए कि इमेज कहां पर बनेगी, पर करना आपको न्यूमेरिकली ही पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम को कैसे आपने देखना है, ये मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट बड़ी है, पर अंदर ढूंढने वाला बहुत कुछ तो इसमें गिवन ही होता है। तो ऐसे 5-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, ईजी है। ये देखो, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़े प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, वो साइन कन्वेंशंस कैसे पुट करते हैं फॉर्मूला में, वो बता दो एक बार फिर से। देखो, आपने क्या देखना है, रेज कहाँ जा रही हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो आपकी रेज बाहर निकल रही है ना, यहाँ पर कहीं पे निकल रही है, ऐसे जा रही है, डेंसर टू रेयरर, ठीक है, यस सर। तो इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब ये पोल है, तो जब मैं इधर के डिस्टेंस लूंगा,
इसके ऑपोजिट तो वो सारे नेगेटिव होंगे, तो जैसे पीओ माइनस में, पीसी माइनस में, ऐसे। तो जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यू में माइनस यू को पुट करेंगे या फिर जो ओरिजिनल वैल्यू दे फॉर्मूले रखी में ये फॉर्मूला लिख लिया, जो है? यू यस था ना, यू की जगह माइनस तीन विथ साइन कन्वेंशन, यू की जगह यहां पर माइनस तीन, ये देखो वी की जगह निकालना है वी, तो आर की जगह माइनस फाइव, ऐसे। ओके सर। क्वेश्चन है, स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो एक स्फेरिकल सरफेस है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ठीक। सेपरेट्स एयर फ्रॉम ग्लास, एक छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक बड़ा, छोटे वाला म्यू वन ले लो, बड़े वाला म्यू टू, 1.5 म्यू टू है और 1 म्यू वन है, क्लियर है? चलो दो चीजें तो पता लगी गई। आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता है ग्लास के अंदर है, ये रहा, दिख ही रहा है वो तो। आगे पॉइंट ऑब्जेक्ट पी इज प्लेस्ड इनसाइड एयर इज फाउंड टू हैव रियल इमेज क्यू ऑन द ग्लास, कह रहे कोई पी ऑब्जेक्ट था जिसकी इमेज रियल बन रही है, अब रियल कहां बनती है, अदर साइड पे, तो वो कह रहे हैं इमेज क्यू पे बन रही है, डायग्राम गिवन है, तो इसमें पी ऑब्जेक्ट है और क्यू अदर साइड पे इमेज है। ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, रेरर की डेंसर, O ऑब्जेक्ट, ये P ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ, रेरर, और लाइट कहां जा रही है, रेरर से डेंसर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, रेरर टू डेंसर, ठीक हो गया यहां तक। चलो म्यू वन पता लग गया, म्यू टू पता लग गया, फॉर्मूला पता लग गया, और ढूंढते हैं नेक्स्ट वो क्या कह रहा है। लाइन पी क्यू कट सरफेस एट पॉइंट ओ, ये पी क्यू है, इसने सरफेस ओ को कट कर दिया, ओ पोल है इसमें, सच दैट पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, पी ओ और ओ क्यू की वैल्यू बराबर है, बराबर है, मतलब ये कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस है, तो मैग्नीट्यूड यू का और वी का बराबर है, साइन बराबर नहीं है, एक लेफ्ट है तो एक राइट है, क्लियर है? क्या निकालना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल, तो आपको यू निकालना है, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, आर इसमें गिवन नहीं, आपका आंसर आर की फॉर्म में आएगा, आपका आंसर आर की फॉर्म में आएगा इसमें, ठीक है यहां तक। तो एक काम करते हैं, आपको ये पता लग गया म्यू टू कितना है, म्यू वन कितना है, यू और वी का मैग्नीट्यूड बराबर है, पर क्योंकि रियल इमेज है तो यू नेगेटिव है और वी पॉजिटिव, हम मान लेते हैं कि यू माइनस एक्स है तो वी प्लस एक्स है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर के फॉर्मूले में यू को माइनस एक्स, वी को प्लस एक्स, और रेडियस तो है ही पॉजिटिव क्योंकि रेज राइट जा रही है और हम भी डिस्टेंस राइट का ले रहे हैं, सेंटर राइट पे है, तो आर पॉजिटिव है, तो जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ऑटोमेटिकली एक्स क्या आएगा, फाइव आर, ठीक है यहां तक। कुछ भी नहीं करना, आइडेंटिफाई करना है रेरर टू डेंसर या डेंसर टू रेरर, यू गिवन होता है, यू वैसे नॉर्मली 99% क्वेश्चन में नेगेटिव ही होता है, हमेशा नेगेटिव चल रहा है, वी निकालना होता है, आर फिगर में देख के पता लगेगा, ठीक है यहां तक। तो कैसे सोचना है समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन को देखें प्लीज सर, जो फाइनल वैल्यू निकलती है सब पुट करने के बाद वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ही होती है। हाँ वो देखो इसमें साइन कन्वेंशन चक्कर नहीं है वैसे, हाँ वैसे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ही निकलती है। जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में यू पता है विद साइन कन्वेंशन, आर पता है विद साइन कन्वेंशन, आपको वी निकालने को बोले, आप वी में मत पुट करना, वी ऑटोमेटिकली विद साइन कन्वेंशन आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आपको वो पुट नहीं करना होता, ठीक है? ओके सर, ठीक है, करके देख लो इसमें।
देखो क्वेश्चन है व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन, तो क्या निकालना है, आर बाउंडिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम म्यू 1.5 है, और कौन सी इमेज बनानी है, फॉर अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एडजेसेंट मीडियम, तो ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू वन में, तो म्यू इज इक्वल टू वन का मतलब कौन सा मीडियम है, रेयरर, तो रिफ्रैक्शन विल बी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, और ऑब्जेक्ट की दूरी 10 सेंटीमीटर पे है, और इमेज कहां पर बनानी है, 40 पे, और कौन सी बनानी है, वर्चुअल, तो यू भी नेगेटिव वी भी नेगेटिव, क्योंकि यू भी नेगेटिव वी भी नेगेटिव वर्चुअल इमेज है, तो ऑब्जेक्ट रेयरर में है, तो रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर, म्यू वन म्यू टू पता है, यू नेगेटिव वी नेगेटिव, आर निकालना है, तो आर विद साइन कन्वेंशन आएगा, और अगर आर विद साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आ रहा है तो हमें पता है कि अगर रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर है, रेयरर टू डेंसर है और आर पॉजिटिव है तो पक्का सरफेस कन्वेक्स ही होगी, क्योंकि डेंसर टू रेयरर में कन्वेक्स में आर नेगेटिव होता है और रेयरर टू डेंसर में कन्वेक्स में आर पॉजिटिव, तो हम बता भी सकते हैं कि आर पॉजिटिव है तो ये कन्वेक्स सरफेस है। ठीक, इसे देखें, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कंकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, एयर में, ऑब्जेक्ट एयर में है, रेयरर में है, तो फॉर्मूला रेयरर से डेंसर, चलो पता लग गया। आगे, और कहां पर पड़ा है, 40, तो यू तो हमेशा नेगेटिव ही है तो यू इज -40, कंकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कंकेव के अंदर अगर रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर है, आर क्या होता है, नेगेटिव, रेयरर टू डेंसर में आर नेगेटिव होता है तो आर भी नेगेटिव पता लग गया, म्यू टू म्यू वन पता है, क्या निकालना है आपको, वी निकालना है, फॉर्मूले में रेयरर टू डेंसर में सब कुछ तो गिवन है, यू -40 गिवन है, आर -20 गिवन है, वी ऑटोमेटिकली विद साइन कन्वेंशन आएगा माइनस, और अगर ये माइनस ना आता, क्योंकि ये कनकेव का केस है और वर्चुअल का केस है, कनकेव हमेशा वर्चुअल देता है, तो कनकेव अगर वर्चुअल देता है तो यू नेगेटिव वी भी नेगेटिव ही आना चाहिए, अगर नेगेटिव ना आया वापस रीचेक करो, आपका क्वेश्चन पक्का गलत हुआ है, तो फिर साइन कन्वेंशन यू नेगेटिव वी नेगेटिव ही आना चाहिए वर्चुअल में, रियल में भी पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, कंकेव स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज इमर्ज इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, रूल नंबर 1, कौन बड़ा कौन छोटा, इसमें ये छोटा है और ये 3/2 बड़ा है, तो ये डेंसर है और ये रेयरर है, रूल नंबर 1। नेक्स्ट, इफ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज इन वाटर, वाटर डेंसर है, तो इसका मतलब कि रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, पता लग गया यहाँ पर, नहीं सॉरी, वाटर इसमें रेयरर है, रेयरर है तो रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर, पता लग गया यहाँ पर। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, अब रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर है, आर 18 है और सरफेस कंकेव है, कंकेव में रेयरर से डेंसर में आर क्या होता था, नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है ना,
कब आर नेगेटिव कर, अब आर पॉजिटिव, ये टेस्ट देखिए समझ में आएगा, जब आप सारे प्रूफ कर लोगे ना एकदम रट जाएगा सारा। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, वी ऑटोमेटिकली विद साइन कन्वेंशन आएगा, क्योंकि कंकेव का केस है, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल में यू और वी नेगेटिव ही आएंगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है इसमें? ठीक है। सर, हाँ जी हमने इस क्वेश्चन में वाटर को डेंसर क्यों नहीं लिया? आप कैसे लोगे डेंसर? वाटर 4/3 है और सरफेस ग्लास 3/2 है। 4/3 छोटा होता है, 3/2 बड़ा होता है, यस सर। तो वो रेरर में पड़ा हुआ है ना, तो वाटर रेरर है इसमें, ग्लास डेंसर है। ओके वो तो सर, वैल्यूज ही बता रही है ना। क्वेश्चन है, एक ग्लास डम्बवेल है, वो डम्बल डम्बल अपन ऐसे बोलते हैं, तो क्या है, डम्बवेल है, ग्लास का बना हुआ है। तो इसमें ग्लास का, जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, आगे म्यू गिवन है 1.5, तो म्यू टू म्यू वन मालूम है, रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दो कर्वेचर है, लेफ्ट भी है और राइट भी है, दोनों तरफ से कर्व है, दोनों तरफ से रेडियस 3 सेंटीमीटर ही है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड का मतलब है कि रिफ्रैक्शन दो एंड पे हो सकती है, इधर भी और इधर भी, आपने कहा लेनी है लेफ्ट एंड। और ऑब्जेक्ट की दूरी वो कह रहा है कितनी है, ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पे एयर में है, ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर एयर में है, एयर क्या है, रेयरर, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू, फॉर्मूला पता लग गया, म्यू वन म्यू टू पता है, यू -12 होगा ये भी पता है, आर इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि कर्व राइट की तरफ है, रेज भी राइट जा रही है, तो आर इसमें पॉजिटिव होगा, यू नेगेटिव होगा, आर पॉजिटिव होगा, म्यू वन म्यू टू पता है, रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, वी आ जाएगा, वी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी, राइट साइड पे बनेगी। अगर रे डायग्राम देता है तो अच्छी बात, नहीं देता तो बन सकता है, रे डायग्राम भी कंप्लीट हो सकता है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे होगा इसमें? ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, ये अलग है बाकी सभी क्वेश्चन से अलग है, इसको जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में पहले पॉइंट को समझ लें, सपोज करो किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आपने आगे इसके आगे पानी रख दिया, वाटर, तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहां नजर आएगा, राइट, ऐसे ही है, तो आपको क्या नजर आएगी, इसकी इमेज नजर आएगी, एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पर है, पानी ने इमेज को यहां बना दिया, यहां रख दिया इमेज, आपने इसके आगे ग्लास स्लैब रख दी, अब आपको ये पेन और आगे नजर आएगा, ठीक है, ग्लास स्लैब ने और आगे कर दिया, तो ग्लास स्लैब ने पानी की बनाई हुई इमेज को आगे शिफ्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट तो एक ही था, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट तो एक ही था, जो पानी ने यहां से यहां कर दिया, ग्लास ने इस इमेज को शिफ्ट करके यहां से यहां कर दिया, तो ग्लास के लिए पानी की इमेज ऑब्जेक्ट है, जो पानी ने इमेज बनाई थी वो ग्लास के लिए ऑब्जेक्ट है और उसने इसकी नई इमेज बना दी। तो जब हम इमेज को ऑब्जेक्ट मानते हैं उसको रियल ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब हम एक, मान लो आपके पास ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, पानी ने उसको यहां दिखाया तो ये इमेज है, ग्लास ने इस इमेज को ऑब्जेक्ट माना और इसकी इमेज यहां बना दी, तो ग्लास के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जब इमेज को ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है यहां तक, हाँ, रियल ऑब्जेक्ट तो असली पेन है, वो तो ढाई था। अब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही केस गिवन है, वो कह रहे कि डायमीटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का डायमीटर ग्लास स्लैब का गिवन है, इस पूरे स्फीयर का गिवन है। अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द स्फीयर व्हिच कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल। वो कह रहे हो ऐसा रहा था कि एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, रेज पीछे से आ रही थी और रेज जो पीछे से आ रही थी वो ऐसे कन्वर्ज हो रही थी, ऐसे पोल से, इसके बीच में क्या है, ये स्फीयर है, पोल से 30 सेंटीमीटर दूर रेज मिल रही थी, पोल से
30 सेंटीमीटर दूर रेज मिल रही थी, पर हुआ क्या, ग्लास स्लैब ने रिफ्रैक्शन कर दी, तो ये 30 सेंटीमीटर में मिल ना पाई, थोड़ी सी रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड हो गई और कहीं पहले मिल गई। हाँ, सॉल्यूशन में दिख रहा है कि वो यहां मिली है, हमें थोड़ा पता है कि यहां मिली है, क्या पता रिफ्रैक्शन यहां मिलाती, क्या पता यहां मिलाती। वो ये बोल रहा है कि बोलो ये कहां पर फाइनल मिलेंगी, ये आपको बताना है। हाँ, आपको ये पता है, आपको ये पता है कि रेस 30 सेंटीमीटर पे मिल रही थी, आपको ये पता है कि 30 है, पर आपको ये नहीं पता कि इस ग्लास ने कितने रिफ्रैक्शन करके इसको बेंड करके आई कहां बनाया, ये आपको बताना है। ठीक है, रूल नंबर वन, इसमें लाइट रेयरर से डेंसर एंटर कर रही है जहां रिफ्रैक्शन हो रही है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, रेयरर टू डेंसर। पॉइंट नंबर वन क्लियर, सही है। दूसरा, इसके अंदर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो मुझे गिवन नहीं है, क्योंकि रेज कहां से आ रही है मुझे पता ही नहीं, पता नहीं इन्फिनिटी से आ रही होंगी, तो मुझे एक्चुअल ऑब्जेक्ट का कुछ पता नहीं। हाँ, मुझे ये पता है कि अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो ये कहां मिलती, 30 पे मिलती। मुझे ये पता है कि वो ऑब्जेक्ट पता नहीं कहां है, इमेज 30 पे जरूर है। हाँ, ये भी पता है ग्लास स्लैब की वजह से इमेज 30 पे नहीं बनेगी, थोड़ी पहले बनेगी, तो ग्लास स्लैब इसको क्या मान लेगी, अपना एक ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी, ग्लास स्लैब इसे इमेज मानेगी, इसको ऑब्जेक्ट मान लेगी और इसकी नई इमेज बनाएगी, तो ग्लास स्लैब के लिए ये क्या माना जाएगा, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, और ग्लास स्लैब क्या करेगी, इसकी इमेज बनाएगी। ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप, तो इसका मतलब ग्लास स्लैब के लिए सी इज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट तो पीछे है, दिख नहीं रहा। रियल ऑब्जेक्ट कहां पर, रियल ऑब्जेक्ट से रेज कहां पे मिल रही है, 30 पे, सी पे, और ग्लास स्लैब ने सी पे उठा के आई कर दिया, तो ग्लास स्लैब ने इस इमेज को ऑब्जेक्ट मान लिया और इसकी फर्दर इमेज बना दी। सही है यहां तक, तो इसका मतलब ग्लास स्लैब के लिए सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। देखो, रेज 30 पे मिल रही थी, ये रहा ग्लास स्लैब रखी, वो यहां पर आ गई, तो ग्लास स्लैब के लिए ये यू है और ये वी है, पीछे से वो जान के कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है ना, रेज का एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो दिखा नहीं रहा, वो ग्लास स्लैब रख के इमेज की ही नई इमेज बनवा रहा है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट पीछे है, पता नहीं हो क्या रहा था कि ये यहां मिल रही थी, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट पीछे था और ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज थी, डन, पर यहां बनी नहीं, ग्लास स्लैब ने रिफ्रैक्शन कर दी और वो यहां पे बनी, तो ग्लास स्लैब ने इसको ऑब्जेक्ट मान के यहां पे इमेज बना दी, इमेज को ऑब्जेक्ट मान रहे हो ना, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं हो गया। ठीक है, और मैं ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की खास बात क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ज्यादातर केस में यू पॉजिटिव होता है, वैसे यू हमेशा नेगेटिव होता है असली ऑब्जेक्ट्स में, पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में इसलिए पॉजिटिव होता है, देखो ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और रेज भी कहां आ रही है, टूवर्ड्स राइट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कहां है, टूवर्ड्स राइट, इसलिए यू यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉइंट क्लियर है, यू पॉजिटिव क्यों होगा, ठीक है, रेज राइट जा रही है और हम भी ऑब्जेक्ट राइट पे रखे हुए हैं, तो यू यहां पर पॉजिटिव है, आर आपको गिवन ही है, म्यू वन म्यू टू आपको गिवन है, रेयर टू डेंसर का केस है, सारी वैल्यूज पुट करके वी आ जाएगा, और वी कितना आ गया, 15, और चांस की बात है डायमीटर भी 15 है, तो पोल से इमेज कहां पर बनेगी, 15 पे, यानी कि एग्जैक्टली इसके बॉर्डर पे बनेगी, पर अगर 16 पे आ जाती तो फिर यहां बनानी पड़ती, 17 पे आती यहां बनानी पड़ती, चांस की बात है 15 है तो 15 पे आ गई। आइडिया समझ में आ रहा है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या आइडिया है, जब इमेज को ही ऑब्जेक्ट मानते हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ऐसे केस में यू क्या होता है, पॉजिटिव। और एक आखिरी ये क्वेश्चन रहेगा, इसको भी क्लोज करते हैं, इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक फ्लास्क है, ये बहुत आसान है, एक सेकंड का क्वेश्चन है, एक फ्लास्क है, कोई बंदा फ्लास्क के अंदर बैठा है, ये अंदर बैठ गया होगा, अब तुम्हें क्या टेंशन है, अब वो देख रहा है कि रेज कैसे, और ये डायमीटर फ्लास्क का 15 सेंटीमीटर है, डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, म्यू 4/3 है मीडियम का, खुद रेयरर में बैठा है, म्यू इज इक्वल टू 1, तो म्यू 2 पता है, म्यू 1 पता है, वो कह रहे हैं जो रेज हैं वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल ये होती है,
पैरल कहां से आती है? इंफिनिटी से। पैरल का मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इंफिनिटी से, तो यू क्या है? माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। वो कहते हैं यहां टक्कर खाती है और इसके बाद रिफ्रैक्शन होता है। आपको ये बताना है कि वेयर डज इट गेट फोकस्ड रिफ्रैक्शन के बाद, ये कहां फोकस होती है? तो सबसे पहले ये बताओ, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। म्यू वन म्यू टू पता है, यू इंफिनिटी पता है, आर आपको पॉजिटिव पता है। आर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि सेंटर राइट पे है, रेज राइट आ रही है, तो आर पॉजिटिव है, तो आर भी पता है। डेंसर टू रेयरर पता है, वैल्यू पुट करो, वी निकाल लो। वी कितना आ रहा है? माइनस 22.5। माइनस साइन का मतलब क्या है? पोल से लेफ्ट, क्योंकि इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, तो पोल से लेफ्ट है। लेफ्ट का मतलब यहां कहीं 22.5 है, तो रेज ये नॉर्मल है। नॉर्मल कहां पास करेगा? सेंटर से। तो रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और कहां जाके मिलेंगे? 22.5, यहां कन्वर्ज होंगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5। तो आइडिया समझ में आ रहा है? मतलब डायग्राम भी साथ साथ देखना है और न्यूमेरिकल तो करना ही करना है साथ साथ, दोनों चीजें पैरेलल ही चलेंगी।